ये छोटा छोटा डेफिनेशन बेटा फर्स्ट ईयर में भी आता है, रिक्रूटमेंट में भी आता है, लेकिन हम कई बार छोटा छोटा चीज को समझ के नहीं जाते हैं। केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, या कई बार आपको बोला व्हाट इज केप सेंसिटिव, सब इतने बोल दिया तो भी बात बोल रहा हूं केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। केप किसको बोलते हैं, मेरा डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखे है, उसमें बताए थे डिटोनेटर के नाम, डिटोनेटर केप ऐसा दो तीन चार को नाम बताए थे। तो डिटोनेटर को केप भी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं केप, सीएपी केप, ठीक है। डिटोनेटर को केप भी बोलते हैं और एक सिस्मिक करके और कुछ एक नाम बताए, दो तीन नाम बताए थे वहां पे डिटोनेटर वाले वीडियो में। तो केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव मतलब ऐसा एक्सप्लोसिव जिसको ब्लास्ट करने के लिए डिटोनेटर की जरूरत पड़े वो केप सेंसिटिव, देखिए नाम है बोल रहा है केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव कौन सा है, ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको ब्लास्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, केप की, केप मतलब डिटोनेटर की। तो यही तो लिखा है, क्या लिखा है, एक्सप्लोसिव विच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर्स, या ज्यादा तो ऐसा लिख देना विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव which can be blasted with the help of detonators, such explosives are called cap sensitive explosive, such explosives are called cap sensitive explosive, in underground mine only cap sensitive explosive is used, underground mein jo bhi hum istemal karenge wahan par cap sensitive explosive hi istemal karenge, ek dusra hota non cap, ab non cap aap matlab detonator istemal nahi hoga, clear hua mera baat, डिटोनेटर इस्तेमाल नहीं होगा। तो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव और बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, इसको बूस्टर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बोलते हैं, क्या डिफरेंस है बोलेंगे, एक्सप्लोसिव विच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ बूस्टर, और ये ओपन कास्ट में इस्तेमाल होने वाला चीज है। तो क्या करते हैं हम, जैसे आपका हमने बताया अमोनियम नाइट्राइड TNT, हाँ सलरी एक्सप्लोसिव NPO, ये सब जो एक्सप्लोसिव है ये ओपन कास्ट में इस्तेमाल होने वाले हाई एक्सप्लोसिव है, ये जो हाई एक्सप्लोसिव है ओपन कास्ट में यूज होने वाले, अंडरग्राउंड वाले नहीं बोल रहा मैं, जैसे सलरी परमिटेड सलरी है तो वो केप सेंसिटिव होगा, सलरी बताए ना एक वीडियो में, तो परमिटेड सलरी केप सेंसिटिव होगा, लेकिन नॉन परमिटेड सलरी जो है दोनों ही हाई एक्सप्लोसिव है, बट परमिटेड सलरी हाई एक्सप्लोसिव इज यूज इन अंडरग्राउंड एंड हैंस इट इज अ कैप सेंसिटिव, मतलब उसको ब्लास्ट करने के लिए डिटोनेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नॉन परमिटेड सलरी हाई एक्सप्लोसिव जो कि ओपन कास्ट में यूज होता है उसको ब्लास्ट करने के लिए बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो उस सलरी में या NPO में या अमोनियम नाइट्रेट में या TNT में हम क्या इंसर्ट कर देते हैं, बूस्टर। बूस्टर को इंसर्ट करने का पर्पज यह होता है कि उस एक्सप्लोसिव को हमने अब कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बनाया, तब ना हम क्या करेंगे, फिर एक डिटोनेटर लेते, ओपन कास्ट में एक ही इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की जरूरत पड़ता है, उस डिटोनेटर को एक्सप्लोसिव के माध्यम से हम ब्लास्ट कर देंगे, उससे जो करंट जाएगा तो बाकी जो होल के अंदर एक्सप्लोसिव वो ब्लास्ट होगा, अदरवाइज डिटोनेटर के से वो ब्लास्ट नहीं होगा, कौन, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, इसलिए उसके अंदर हम बूस्टर डाल देते हैं, बूस्टर क्या करता है उसको कैप सेंसिटिव बना देता है, कैप सेंसिटिव उसको बोलेंगे एक्सप्लोसिव को, एक्सप्लोसिव विच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर्स, एंड नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव विच कैन बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ बूस्टर, बस इतना ही। ये एग्जाम में आते रहता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रिक्रूटमेंट में, एक बार देख लीजिएगा।